शराबबंदी वाले बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत, 6 लोगों की हालत गंभीर। छपरा में जहरीली शराब से मौत को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी विधायक दोपहर 3 बजे मस्तक पहुंचेंगे। बीजेपी नेता शराब कांड के मृतकों के पीड़ित परिवार से मिलेंगे, साथ ही अस्पताल में भर्ती बीमार से भी करेंगे मुलाकात। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराइए, क्योंकि आपके परिवार को मारने वाला कोई व्यक्ति है वो नीतीश कुमार है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शराब कांड को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में 10 साल से भी ज्यादा समय तक रही तो शराबबंदी पर उसने क्या किया। लगभग 10 साल से भी ज्यादा 15 साल तक बिहार में काबिज रही, इन्होंने क्या किया, आज इनको याद आ रहा है। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। विपक्ष के हंगामे से नीतीश कुमार ने विधानसभा में खोया आपा, कहा बीजेपी बिकवा रही है बिहार में शराब, अब बीजेपी विधायकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो गया, क्या हो गया, अरे सुन रहे हो, जहरीली शराब पीने वाला मार्शल, शराब पीता है सभी मार्शल गलत, आप शराब पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना के बाद एक्शन मोड में पुलिस, पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ कर नकली शराब बनाने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि नीतीश का गुस्सा दिखाता है कि बिहार में शराबबंदी नाकाम। माननीय मुख्यमंत्री ने रिएक्ट किया है, शायद वो अपने नीति के विफलता को पूरी तरह से समझने लगे हैं। तो उनका गुस्सा उनके हार का है, उनका गुस्सा उनके नीति के फेलियर का है। दिल्ली एसिड अटैक में पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पीड़िता के पूर्व मित्र ने ही किया था हमला। पीड़ित छात्रा से दोस्ती तोड़ने से खफा था मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा, सचिन ने अपने दोस्त वीरेंद्र और हर्षित के साथ साजिश रची। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूली छात्रा पर एक लड़के ने तेजाब फेंका, सुबह 7:30 बजे की घटना, छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। छात्रा 12वीं क्लास में पढ़ती है, बस स्टैंड पर पीड़ित छात्रा अपनी बहन के साथ खड़ी थी, उसी दौरान उस पर एसिड अटैक हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में NCW और DCW की टीम पहुंची, दोनों टीमें एसिड अटैक पीड़ित छात्रा का बयान लिया। एसिड अटैक की घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कहा दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण, अपराधियों को मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सजा। राहुल गांधी अपनी तुलना महात्मा गांधी से किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की, बुधवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को राहुल ने बीच में टोका। राहुल गांधी 2024 आम चुनाव में एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय प्रमुख कांग्रेस नेता अजय राय ने यह दावा किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, गुरुवार को अरेस्ट, नारायण सोनी नाम के शख्स को मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़, 3 की मौत, कई जख्मी। आसनसोल में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था, पुलिस का कहना है कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। बिल्कुल ये आदमी को जड़ किया, आदमी को इकट्ठा करके छोटा मार्ट में बिना परमिशन में जो वहाँ कंबल बांटने के लिए आदमी को इकट्ठा किया, दूसरी तो ही उसी को होना है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बुधवार को दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। शाह ने मुख्यमंत्री BR बोम्मई और एकनाथ शिंदे से संयम बरतने के लिए कहा, गृहमंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बयानबाजी से बचे। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में
कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों से भी मामले का राजनीतिकरण ना करने की अपील की। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के सीएम बोम्मई और गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, यूएन महासचिव के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मूर्ति का किया अनावरण। पाकिस्तान के कश्मीर राग दोहराने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ओसामा बिन लादेन की मेजबानी और संसद हमले के मास्टरमाइंड पनाह देने वाला हमें सलाह नहीं दे सकता। Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the president of the council. I now give the floor. विदेश मंत्री ने चीन को भी आड़े हाथों लिया। जयशंकर ने चीन पर आरोप लगाया कि आतंकवाद और आतंकियों के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जेडीयू आरजेडी के विलय की अटकलों को जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बताया निराधार, कहा आत्मघाती होगा जेडीयू आरजेडी का विलय। जनसुराज पार्टी पर निकले प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, पटना में हुए शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में महागठबंधन सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियों का झूठा वादा करने वाली सरकार टीटी और सीटीएट पर बेरोजगार बैठे लोगों पर लाठियां चलवा रही है। पीके ने ट्वीट किया, कहा बिहार में 10वीं पास नहीं करने वाले नेताओं के बच्चे सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और सामान्य परिवार के पढ़े लिखे लोग नौकरी और रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तवांग में तनाव के बीच भारतीय वायुसेना का आज से 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास, 15-16 दिसंबर को हो रहे इस एक्सरसाइज में आसाम से अरुणाचल प्रदेश तक के एयर स्पेस में यह अभ्यास होगा। चीन की सीमा के नजदीक 2 दिनों तक सुखोई राफेल की गर्जना के बीच वायुवीर दिखाएंगे अपने शौर्य और साहस का जलवा। 9 दिसंबर को तवांग के येगसे बॉर्डर पर हुई झड़प के बीच चीनी सेना अलर्ट उल्टे पांव भागी थी। चीनी सैनिकों के बोरिया बिस्तर छोड़कर भागने की तस्वीरें सामने आई। तवांग झड़प के बीच एलएसी पर चीनी हरकत की नई तस्वीर सामने आई। चीन ने शिंगाल से पीस एयरबेस पर 10 एयरक्राफ्ट, फाइटर हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारस ने भारत और चीन से सीमा विवाद बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील दोहराई है। तवांग में हिंसक झड़प पर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, विपक्ष ने चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही विपक्ष में नेताओं के लाए गए तख्तियों पर कहा कि यह सब करना छोड़ दें। राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया, राज्यसभा में विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा राजनाथ सिंह सवालों का जवाब नहीं दे रहे, सही जानकारी नहीं दी। मनीष तिवारी बोले भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 से जो तनाव चल रहा है उस पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं हुई, हमारे जाबाज सिपाही चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं मगर चीन सरहद पर क्यों तनाव बढ़ा रहा है। तवांग मुद्दे पर खड़गे की अगुवाई में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, इस बैठक में रामगोपाल यादव, प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हुए। भारत चीन विवाद और अन्य मुद्दों पर संयुक्त रणनीति बनाई गई है, संसद में विपक्ष को एकजुट रखकर सरकार से सवाल करने और घेरने की कोशिश है। संसद की लाइब्रेरी हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, इस बैठक में प्रधानमंत्री समेत अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को फूलों की माला पहनाई। बैठक में पीएम मोदी ने गुजरात जीत का श्रेय पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं को दिया, पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, वहीं सीआर पाटिल की जमकर तारीफ की। सांसदों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए खेल स्पर्धाओं का आयोजन करें, क्षेत्र में साफ सफाई का ध्यान रखें। बैठक में अश्विनी वैष्णव का प्रेजेंटेशन आर्थिक मामलों पर हुआ, जिसमें अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सब कंट्रोल में है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाले राज्यसभा पैनल के सामने एयरपोर्ट पर दिख रही बेलगाम भीड़ को लेकर होगी चर्चा। बिहार की राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन अपराधियों का तांडव। दानापुर इलाके में दो युवकों की गोली मारकर हत्या। मुंबई में बोरीवली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तरी कश्मीर के पट्टन इलाके में आतंकी साजिश नाकाम। 24 घंटे में मिले दूसरे आईईडी को भी सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में झुग्गियों में लगी भीषण आग। हापुड़ा नगर पालिका इलाके में लगी आग में 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। माफिया मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। 23 दिसंबर तक ईडी की रिमांड में रहेगा मुख्तार। मुख्तार की पेशी से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार को बांदा की जेल से प्रयागराज लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाए जाने के बाद से बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। अब अंसारी से ईडी की टीम करेगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिर्फ मुख्तार पर ही नहीं उसके परिवार पर तेजी से कसता जा रहा शिकंजा। राजस्थान के कोटा में एक ही दिन में 3 छात्रों ने सुसाइड किया। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की आशंका। कई दिनों से कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे थे छात्र। बतलवंडी इलाके में बिहार निवासी 2 छात्र अंकुश और उज्जवल ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं एक छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।